दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे फिटिंग पैंट की कटिंग करना। तो दोस्तों कटिंग करने से पहले मैं आपको उसकी नाप बता देता हूं कि उसकी नाप कितनी है। दोस्तों नाप के बिना हम कटिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसकी लंबाई है वो 36.5 इंची है, कमर हैं वो 29 इंची है, हिप हैं वो 32 इंची है, जांग है वो 20 इंची है, घुटना है वो 15 इंची है और मोरी है वो 13 इंची है। और दोस्तों पैंट हैं वो फिटिंग है और इसमें क्रॉस जेब लगाएंगे और ये स्कूल के बच्चे की है दोस्तों। तो इस नाप से मैं आपको कटिंग करना बताऊंगा। दोस्तों कटिंग करने का कई तरीके हैं दोस्तों, लेकिन आपको मैं आज कुछ अलग तरीके से कटिंग किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं अब आपको पैंट के कपड़े पर मार्का किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूं। कपड़े को उल्टा करके बिछा लेना है और अच्छे से प्रेस लगा लेनी है कपड़े पर। और प्रेस लगाने के बाद में एल स्केल से इस तरीके से एल स्केल रख लेना है और यहाँ पर हमें एल स्केल से मार्का कर देना है इस तरीके से। और मार्का करने के बाद में हमारी पैंट की लंबाई है वो 36.5 इंची है। तो दोस्तों हम इसमें 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे तो हमें 1 इंच ऊपर निकाल लेना है और 36.5 पर निशान लगा लेना है। और तुरपाई फोल्ड के लिए दोस्तों हमें 2.5 इंची ले लेना है इस तरीके से। और दोस्तों आपको मैं आसन किस तरीके से रखते हैं, आसन दोस्तों रखने का कई फार्मूला है, लंबाई के अनुसार भी रखते हैं, हिप के अनुसार भी रखते हैं और राउंड में नाप के लेकर भी, गिदरी का भी नाप लेके और हिप का तरीका बताते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं कुछ अलग तरीका बताऊंगा आपको। कई वीडियो बनाया हूं दोस्तों लेकिन मैं आपको कुछ अलग तरीका बताया हूं, लेकिन आज दोस्तों मैं आज की वीडियो में मैं दोनों तरीका बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी लटक रखते हैं पैंट की। तो दोस्तों इसकी हिप हैं वो हैं 33 इंची, हिप दोस्तों इसकी हिप हैं वो 32 इंची है, सॉरी दोस्तों 32 इंची है। तो दोस्तों हम इसमें 3 का भाग लगाएंगे, 32 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो 10 पिछेत्र आएगा, 10 पिछेत्र यानी कि 11.5 इंची आएगा, यानी 11 3 33 है 32, लेकिन इसमें 8 सूत आते हैं 1 इंची में, तो आधा यानी कि 1 इंची में 8 सूत आते हैं तो हम इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो लगभग ये 11.5 के लगभग आएगा। तो दोस्तों इसको हम 11 ही मान लेते हैं, इसमें हम 2 सूत बाद में कम कर देंगे। तो दोस्तों ये 11 इंची आ गया है, तो 11 में हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, 1.5 इंची का बेल्ट लगाएंगे तो 1.5 इंची आगे आएगा और 1.5 इंची पीछे आएगा। तो दोस्तों हमें 3 इंची कम कर लेना है इसमें, तो 3 इंची कम करेंगे तो 8 इंची आएगा। लेकिन दोस्तों हमें 2 सूत कम भी करना है क्योंकि हमने जो इसकी 32 है लेकिन हम 33 लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों हमें 8 इंची में हम 2 सूत कम कर लेंगे। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ किस तरीके से रखते हैं। ये हमारे को इंची टेप इस तरीके से रख लेना है
और 8 इंची में हम 2 सूत कम कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। दोस्तों दूसरा फार्मूला ये होता है कि इसकी ही 32 इंची है, इसकी 32 इंची है, तो इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे, 8 चौक यानी कि 32 इंची है तो 8 चौक 32, 8 इंची आएगा। तो दोस्तों आप चौथा हिस्सा के भाग लगा के भी कर सकते हैं और आप तीसरा हिस्सा भी लगा सकते हैं। दोस्तों तीसरा हिस्सा लगाने का ये है कि उसमें हम 1.5 आगे बेल्ट का और 1.5 पीछे बेल्ट का हम लगाएंगे और उसमें माइनस जितने हम भाग लगाए हैं हिप में 3 का, तो दोस्तों इसमें 3 इंची कम कर लेना होगा, तो 8 इंची आएगा। दोस्तों 8 इंची में 2 सूत कम आएगा। और यदि हम हिप को, जो ये हमारी हिप 32 इंची है, तो 32 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो 8 इंची आएगा। तो दोस्तों आप चाहे तो 8 इंची में 2 सूत कम लगा लो और चाहे 8 इंची लगा लो, दोनों तरीका एक है, थोड़ा बहुत अंतर है दोस्तों। तो दोस्तों फिटिंग है तो आप ये तरीका सही, सबसे बेहतरीन तरीका है जो आपने मैं बताया हूँ, वो तरीका बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। तो दोस्तों मैं चाहूँ तो 8 इंची भी कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसको 8 इंची में 2 सूत भी कम कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं 8 इंची में 2 सूत कम इसलिए कर रहा हूँ, दोस्तों ये पैंट है, फिटिंग है और बच्चे की है और आजकल नीचे ही पहनते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी लटक का निशान लगा लेते हैं और इस मार्कों को भी हमें यहाँ पर आगे कर देना है इस तरीके से, और इन निशानों को हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से, इस तरीके से सीधा कर लेना है। और नीचे की साइड में भी दोस्तों हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसकी जांग है वो 20 इंची है, तो दोस्तों इसके भी 2-5 तरीके हैं जांग रखने के भी, जांग किस तरीके से रखते हैं। तो दोस्तों ये 32 इंची इसकी हिप है, तो उसमें हम 3 का भाग लगाएंगे तो लगभग 11 इंची में 2 सूत कम आएगा। तो लेकिन दोस्तों ये फिटिंग पैंट हैं तो हमें 1 इंची कम करना होगा, यानी कि आपको मैं बता दूं कि ये 32 इंची है तो 32 इंची में हम 3 का भाग लगाएंगे तो लगभग इसको 33 ही रख लेते हैं, क्योंकि भाग देने में सुविधा रहेगी, तो 11 इंची आता है, 11 इंची आता है। लेकिन दोस्तों ये बात है, ये सादा पैंट के लिए है, तीसरा हिस्सा सादा पैंट के लिए है। और फिटिंग पैंट के लिए दोस्तों हमें ये 3 तरीके होते हैं, या तो आप उसमें 1/2 इंची कम कर दो, 1/2 इंची कम करेंगे तो ये मीडियम फिटिंग होगी, और यदि हम इसमें 1 इंची कम करेंगे तो फुल फिटिंग होगी। तो दोस्तों हम इसमें फुल फिटिंग करेंगे क्योंकि हमने जांग की नाप भी हमने 20 इंची ली है, तो यदि आप 1/2 इंची 11 इंची में 1/2 इंची कम करेंगे तो 10.5 आएगा, लेकिन 10.5 का मतलब हो गया 21 इंची। तो दोस्तों हमने इसकी जांग की नाप तो ली थी, वो 20 इंची ली थी, तो दोस्तों हमें 1 इंची कम करना होगा। आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसकी हिप मान लो कि इसकी 32 है, लेकिन मैं दोस्तों 33 लेके चल रहा हूँ, तो 33 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो 11 इंची आएगा, तो 11 इंची में हम माइनस 1 इंची करेंगे तो 10 इंची आएगा, तो 10 इंची हमें यहाँ पर इस तरीके से रख देना है, इस तरीके से 10 इंची। और हमारी हिप की भी जो नाप ली थी वो 20 इंची है, तो 20 का आधा रखेंगे 10 इंची, इस तरीके से आएगा। और दोस्तों हमें पीछे 1.5 इंची पर निशान लगा देना है इस तरीके से, और इस तरीके से रखने के बाद में यहाँ पर दोस्तों हमें, यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत अंदर की साइड में 7/10 लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जेब में फुलावट आती है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि यहाँ पर आप थोड़ा बहुत लगभग 1/2 इंची मार्जिन रख लें इस तरीके से, और यहाँ से इसकी 1/2 इंची बढ़ा दें इस तरीके से, और फिर यहाँ पर 1.5 इंची का निशान लगा दें इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ से और यहाँ से इसको देखेंगे तो ये लगभग 1.25 इंची आ रहा है, तो यहाँ से इसको इस तरीके से, आप ये बीच का सेंटर है 1.25 इंची,
पर निशान लगा देना है, ये 12 बीच का सेंटर है। तो ये लगभग आ रहा है, लगभग 5 इंची में एक सूत कम आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें 5 इंची में एक सूत कम कर लेना है। इस तरीके से ये हमारा बीच का सेंटर है। और दोस्तों कई लोग बीच का सेंटर का भी यानी घुटने का मार का भी लगत करते हैं, तो आपको मैं घुटने का मार का भी बता देता हूँ किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों हमें इस तरीके से इंची टेप को रख लेना है, और इंची टेप को रखने के बाद में इस तरीके से आधा कर लेना है, और आधा करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें यानी कि 40 लंबाई से अधिक हो तो दोस्तों उसमें 3 इंची कम कर लेना है, और 40 इंची से लंबाई पैंट की लंबाई कम है तो उसमें हम 2.5 इंची करते हैं, तो दोस्तों इसमें हम 2.5 इंची कर लेते हैं क्योंकि ये बच्चे की है, और ये हमारा घुटने का मार्का है दोस्तों, ये हमारा घुटने का मार्का है। और इसको इंची टेप को हम इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद में यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो दोस्तों कई लोग तो इस तरीके से निशान लगाते हैं, और कई लोग मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लगाते हैं कि दोस्तों इसकी हिप यानी कि मोरी है वो 13 इंची है, तो 13 का हम 1/4 करेंगे तो लगभग 3.25 इंची आएगा, 3.25 इंची आएगा इस तरीके से, और 3.25 इंची यहाँ रखेंगे। और तो दोस्तों हम इसको 6.5 इंची रख लेना है। तो दोस्तों कई लोग किस तरीके से रखते हैं इंची टेप यानी कि ये सैफ हंडी को यहाँ इस तरीके से रखते हैं और यहाँ पर मार्का करते हैं इस तरीके से मार्का करते हैं, और मार्का करने के बाद में इसको नापते हैं ये कितना आ रहा है, ये लगभग 4 इंची आ रहा है। तो दोस्तों 4 इंची पर निशान यहाँ लगाते हैं इस तरीके से, और निशान लगाने के बाद में दोस्तों हमारा घुटना है वो 15 इंची है, लेकिन ये तो 16 इंची आ रहा है। इधर देखेंगे इस तरीके से देखेंगे तो ये 16 इंची आ रहा है, तो दोस्तों हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमको करना है इस तरीके से, तो ये कर लेना है इस तरीके से। तो इंची टेप ये सेफ हंटी को रख लेना है, और इस साइड में हम यहाँ से इस तरीके से जो हमने ये अंदर की साइड में 1/2 इंची का निशान लगाया है इस तरीके से हम रखेंगे, इस तरीके से इसको रखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से रखने के बाद में दोस्तों ये हमारा बीच का सेंटर है, ये तो हमारा नहीं रहा, इसका ये आ गया लगभग ये आ रहा है 7.5 इंची आ रहा है, लेकिन दोस्तों हम बैग में इसकी बढ़ाव दे देंगे, दोस्तों 1.5 इंची बढ़ाव देंगे तो हम सिलाई मार्जिन भी आएगा, और यदि हम इसको 1.25 लेंगे तो लगभग हमारी ये 1/2 इंची अधिक ले लेंगे यानी कि 1.25 ले लेंगे, तो हमारी ये 15 है इसका जान वो यानी कि घुटना, इसका घुटना 15 है तो सही आएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी इसकी नाप करके कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से बीच का सेंटर में 4 इंची और 4 इंची यहाँ लगा के करेंगे तो यहाँ पर 16 इंची आएगा, तो बहुत लूज होगा। तो इस तरीके से हमें विशेष ध्यान रखना है कि किस तरीके से कटिंग करनी है। और दूसरा तरीका ये भी है कि दोस्तों हम यहाँ से बीच का सेंटर लेके और इसकी घुटना है यानी कि घुटना है वो 15 इंची है, तो सबसे पहले तो हम मार्का ही कर लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से मार्का कर लेते हैं बीच के सेंटर का, ये हमारी क्रीच लाइन है, ये क्रीच लाइन है। और अब हम यहाँ पर ये हमारी यानी घुटना है वो 15 इंची है, तो 15 का हम 1/4 करेंगे तो लगभग 4.25 इंची आएगा, तो 4.25 पर हमें यहाँ निशान लगा लेना है, और 4.25 पर हमें यहाँ निशान लगा लेना है। और दोस्तों इन निशानों को हमें यहाँ से तो इस तरीके से लगा लेना है, और यहाँ से इस तरीके से लगा लेना है, और यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे, और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से लगाएंगे तो हमारी ये सेफ अंटी है तो यहाँ से बैठेगी, तो हम यहाँ से लगा लेते हैं, यहाँ से लगा लेते हैं इस तरीके से। ये हमें छोटी छोटी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है
कि हमारी सेफंटी कहाँ पर सही आएगी इस तरीके से। तो दोस्तों इन मार्कों को हमें नहीं लेना है और इन मार्कों को हम नहीं लेना है, कटिंग करेंगे तब बताएंगे कौन सा मार्क लेना है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमने अंदर की साइड में जो आधा इंची बढ़ाव दिया है तो हमें दोस्तों यहाँ पर आधा इंची का इस तरीके से शेप लगा लेनी है। दोस्तों हमें जो कटिंग करेंगे वो इस लाइन पर करेंगे, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे सेफंटी से इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारी ब्लाउट आएगी तो इस तरीके से करेंगे तो हमारी यहाँ पर ब्लाउट नहीं आएगी और ये मार्का नहीं है दोस्तों, ये आपको मैं समझाने के लिए ही बताया हूँ। और इसकी दोस्तों सबसे पहले तो हम एक इंची पर निशान लगा लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और निशान लगाने के बाद में इस तरीके से इसको सीधा करेंगे तो हमको आपको बताऊंगा कि इसको डाउन कितना होगा। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, ऊपर हमें एक इंची का निशान लगा लेना है। और इसकी कमर है वो दोस्तों 29 इंची है, तो 30 ही मान लेते हैं क्योंकि उसमें भाग से ही जाएगा, तो चौथा हिस्सा करेंगे यानी कि 29 है तो चौथा हिस्सा करेंगे तो 7 × 28 और 7.25 इस तरीके से, और 1 इंची हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए दोस्तों। तो 1 इंची तो दोस्तों ज़्यादा हो जाता है, तो लगभग हम 6 सूती कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आधा इंची का दबाव जाता है, तो आधा इंची में हम लगभग 4 इंच यानी कि 4 सूत आता है और यहाँ पर 4 सूत का दबाव नहीं जाता है क्योंकि 1 इंची में 8 इंची ही आती, यानी कि 1 इंची में 8 सूत आते हैं, तो लगभग 4 सूत यहाँ चले जाएंगे और 2 सूत यहाँ पर चले जाएंगे, 2 या 3। तो दोस्तों हम इसको यानी कि लगभग 7 सूत कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ से हम 1 इंची भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है क्योंकि फिर बाद में छांटेंगे, छांटना भी पड़ता है थोड़ा बहुत, तो कम बत्ती होता है तो फिक्स रख लेते हैं इसको। और यहाँ से इसकी गोड़ाई लगा देते हैं, रेंज का उससे गोड़ाई लगा देंगे, तो गोड़ाई लगाएंगे दोस्तों इस तरीके से रखेंगे इसको, अच्छे से आनी चाहिए गोड़ाई इस तरीके से, इस तरीके से आनी चाहिए गोड़ाई। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारा जो डाउन हुआ है वो कितना हुआ है, तो लगभग दोस्तों ये आगे से डाउन हुआ है तो ये लगभग 7 यानी कि लगभग ये 6 सूत हुआ है दोस्तों, यानी कि ये 4, 5, 6 सूत हुआ है। तो दोस्तों ये हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से डाउन करना है, आप 1 इंची आगे निशान लगा लेना है इस तरीके से और फिर यहाँ से इसको शेप लगाएंगे। और यहाँ पर फिर हमारी जो नाप होगी तो जहाँ पर चाहे कमर कितनी भी हो तो इस तरीके से वो आएगी, और इसके बाद में दोस्तों ये फिटिंग पैंट है तो यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा शेप लगा लेंगे। वैसे तो ये बच्चे की है दोस्तों, वैसे तो आप सीधा भी रख सकते हैं लेकिन सीधा रखेंगे तो दोस्तों हमें क्या होगा कि जब हम इसके हुकाई लगाएंगे तो ऊपर नीचे होगा, तो इस तरीके से यदि हम इसको यहाँ पर हल्का सा शेप लगा देंगे, इस तरीके से हल्का सा शेप लगा देंगे तो हमारी हुकाई है वो बराबर में आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और दोस्तों हल्का सा हमें इस तरीके से रख लेना है क्योंकि जब हम इसकी तुरपाई करेंगे तो सही तरीके से बैठे तो हल्का हल्का इसको बाहर की साइड निकाल देना है इस तरीके से। और दोस्तों अब मैं आपको क्रॉस जेब हैं तो निशान लगा बता देता हूँ कि कितना लगाना है। दोस्तों ये छोटे बच्चे की है तो लगभग हमें 1.5 इंची पर निशान लगा लेना है इस तरीके से, और ज़्यादा खुला मुंह रखेंगे तो दोस्तों हमारे क्या होगा कि यहाँ पर जेब में झोल आता है तो हम इसको कम ही रखेंगे। आप चाहें तो 1.5 इंची भी रख सकते हैं क्योंकि आधा इंची का दबाव आ जाएगा, और लगभग यानी कि 1.5 इंची करेंगे तो आधा इंची का दबाव आ जाएगा, 1 इंची खुला मुंह रहेगा तो भी सही है, लेकिन दोस्तों हम 1.25 करेंगे वो भी ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप किस तरीके से उसकी जेब की खुलावट करते हैं, खुलावट रखते हैं हाथ देने के लिए। और इसकी लंबाई ले लेंगे दोस्तों हम लगभग 6.5 इंची ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे लगभग 1.5 इंची तक तो हमारी ये सिलाई आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ आ जाएगा तो इसका दोस्तों खुला मुंह रहेगा तो लगभग ये 5 इंची बैठ जाएगा, तो 5 इंची सही रहेगा, और इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद में दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, लेकिन दोस्तों कटिंग
आप चाहे तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें नाप जोक ज़्यादा करना होगा। तो आप तो मैं बता दिया हूँ किस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद में आपको मैं बैक पार्ट कटिंग करना बताऊँगा कि बैक पार्ट कटिंग किस तरीके से करते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। दोस्तों हमें छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी पैंट है वो सही तरीके से बैठेगी। और दोस्तों सबसे तो पैंट बैठने का सबसे तरीका तो ये होता है कि हम जब सही तरीके से और सही कटिंग करके और सही बना के देंगे तो दोस्तों फिटिंग है वो अच्छे से बैठेगी और ग्राहक भी दोस्तों आपके पास सिलवाने के लिए आएंगे। और यदि हम छोटी छोटी बातों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे ग्राहक आने की बजाय चले जाएंगे। दोस्तों हमें जब भी हम कोई आपको काम करना है तो दोस्तों हम आपको एकाग्रचित होके और एक लक्ष्य लेकर ही चलना होगा दोस्तों, अन्यथा एक लक्ष्य नहीं होगा तो हम कैसा भी काम करें लेकिन हमारा जिस काम में मन नहीं लगेगा उस काम को हम नहीं करना चाहिए दोस्तों। यदि आपका काम में मन लगता है वो काम करें, अन्यथा उसमें जाने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। और यहाँ पर हमें कटिंग कर लेनी है इस तरीके से और यहाँ पर कट लगा लेना है दोस्तों। काम एक ही करना चाहिए और एकाग्रचित मन से करना चाहिए दोस्तों। ऐसा काम क्या जिसमें मन ही नहीं लग रहा है तो उसमें काम करने में क्या फायदा। और यहाँ पर दोस्तों लगभग 1.5 इंची का निशान लगा लेंगे। यदि हम 2 का लगाएंगे तो दोस्तों छोटा आ जाएगा। आप ध्यान रखना कि कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है, ये कोई फार्मूला और कोई वो तो है नहीं कि इसका कितना लगाएं कितना नहीं लगाएं। आप देख लेना कि उसमें कितनी लंबी चेन लगाना चाहते हो। यदि आप छोटी लगाना चाहते हो तो और भी कम कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इससे तो छोटी क्या लगाएंगे, लगभग इसमें 1.25 इंची की लगेगी, इससे छोटी तो क्या लगाएंगे हम। यहाँ से 1 इंची करेंगे तो क्या मतलब है, यहाँ से तो जगह ही नहीं बचेगी। और यदि हम इसको 2 इंची करेंगे तो यहाँ पर हमारी चेन छोटी हो जाएगी। तो आप देख लेना किस तरीके से करते हैं, ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। और अब मैं आपको बैक कटिंग करना बता देता हूँ कि बैक कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों कई लोग तो कपड़े को सीधा इस तरीके से रख लेते हैं और कई लोग इस तरीके से पलटते हैं, तो लेकिन सबकी अपनी अपनी है दोस्तों, किसी तरीके से करते हैं आप वो भी सही करते हैं तो आप भी सही करते हैं। लेकिन आप जब देखेंगे आपको तब पता चलेगा कि किस तरीके से हमें काटना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो दोस्तों इसको इस तरीके से हमें बिछा लेना है, लेकिन दोस्तों हमें बिछाने का तरीका भी आना चाहिए किस तरीके से हमें बिछाना चाहिए दोस्तों। यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे तो लगभग ये 13.5 इंची आ रहा है। तो नीचे भी हमें इस तरीके से देख लेना होगा कि हमारी 13.5 आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि दोस्तों हम इसको सही तरीके से नहीं देखेंगे या कटिंग करेंगे तो हमारे तार हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे, तो कहीं झोला आ जाएगा कहीं खिंचावट आ जाएगा। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों इन निशानों को हमें सीधा कर देना है इस तरीके से और लगभग 1.5 इंची नीचे निशान लगा लेना है और 1 निशान यहाँ लगा लेना है इस तरीके से और 1 निशान ऐसे लगाते हैं। और दोस्तों 1 निशान हमें यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। तो कई लोग कहते हैं कि दोस्तों हम यहाँ पर 1 इंची रखें या 1.5 इंची रखें कितना रखें, लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमें एल स्केल से इस तरीके से रख लेना है, इस तरीके से रख लेना है और यहाँ से इस तरीके से मार्का कर देना है। और आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से हमें टेप उठाना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा बीच का इंची टेप का ये बीच में होल दिखाई दे रहा होगा, इसको इस तरीके से रख लेंगे यहाँ पर बीच सेंटर में से और यहाँ पर नाप के देख लेंगे ये आ रहा है 19.5 इंची आ रहा है। तो इसको यहाँ से इस तरीके से 19.5 पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से और यहाँ से इसको सीधा करेंगे
इस तरीके सीधा करेंगे तो ये दोस्तों अंदर की साइड में जा रही है। तो आप इसको हमने डाउन किया था, वो लगभग 600 डाउन किया था, तो दोस्तों हमें लगभग 600 तो हमको इसको ऊपर उठा लेना है इस तरीके से और इसको सीधा कर देना है। लेकिन दोस्तों हमें सीधा 720 से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों हमें इसकी लगभग बैग उठी है, वो लगभग 1.5 इंची बैग उठी है दोस्तों। और इसकी कमर है वो हैं 29 इंची है, तो हम 30 ही मान लेते हैं, तो 7.5 में से हम एक सूत कम कर लेते हैं, 29 हैं तो सूत कम कर लेते हैं 7.25, और 1.5 इंची प्लस कर लेंगे सिलाई का मार्जिन और 1 इंची पॉकेट की डाट के लिए, और 2 इंची एक्स्ट्रा कर लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसकी हिप हैं वो वैसे तो 32 हैं लेकिन 33 लेके चल रहे हैं, 1-2 सूत हम कम कर लेंगे, तो इसको 8 चौक 4 हिस्सा रखेंगे, यहाँ से लगभग 3 इंची ऊपर से 8 चौक 32 इसकी हिप हैं वो हैं 32 ही हैं, तो 8 चौक 32 और 1 इंची हमें सिलाई का मार्जिन रख लेना है इस तरीके से, और इन मार्कों को हमें मिला लेना है इस तरीके से, और एक निशान हमें यहाँ से मिला लेना है इस तरीके से। और मिला लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये फिटिंग पैंट हैं, तो यहाँ पर हमें 2.25 इंची रख लेना होगा इस तरीके से। और दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ये कितना आ रहा है, ये दोस्तों लगभग ये आ रहा है, ये लगभग आ रहा है 10.25 इंची आ रहा है, और इसकी जांग है वो हमने नाप ली थी वो 20 इंची है, तो दोस्तों हम यहाँ से लगभग 2 इंची कर लेंगे, 2 इंची कर लेंगे। और इसका हमने घुटना लिया था वो दोस्तों हमें इसका घुटना लिया था वो 15 इंची था, तो ये 7.5 इंची आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बच्चे की है तो बैठने उठने में दिक्कत न हो, तो यदि हम इसको फिक्स रखेंगे तो 1.5 इंची रखेंगे और हल्का सा यूज रखेंगे तो लगभग हम इसमें यहाँ से 1.5-2 इंची कर लेंगे इस तरीके से। और नीचे हम यहाँ पर कर लेंगे 1.25 इंची कर लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों इन मार्कों को हमें उठा लेना है, तो देखो हमारी फंटी 7.25 है ये भरनी चाहिए, तो इस तरीके से हमारी ये 7.25 भरनी चाहिए दोस्तों। देखो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ से तो हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको मैं नाप के दिखा देता हूँ कि लगभग ये कितना बैठ रहा है, ये बैठ रहा है 2 इंची बैठ रहा है, और 2 इंची यहाँ पर हैं, और ये हमने 1.25 इंची का निशान यहाँ लगाया है। लेकिन दोस्तों यदि हम इस तरीके से लगाएंगे तो इसका जांग की नाप ली थी वो हमने 15 इंची ली थी, तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 1.5 इंची रखेंगे इस तरीके से, और लगभग ये 0.5 इंची हमारी सिलाई आ जाएगी। देखो आपको मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ कि हमारी लगभग कितना दबाव तो सिलाई में आएगा और कितना दबाव यहाँ सिलाई में आएगा, और लगभग ये 6.5 इंची आ रहा है, तो 6.5 इंची को यहाँ पर इस तरीके से पकड़ लेना है, 6.5 इंची को इस तरीके से पकड़ लेना है, और यहाँ पर हमारी ये आ गया हमारा ये घुटने का मार्ग 15 इंची, और ये हमारी सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन ये रहा, तो दोस्तों यहाँ पर आएगा। तो यदि हम इस तरीके से इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से इसको रखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि जब हम प्रेस करेंगे तो अंदर की साइड में झोला यानी कि अंदर की साइड में ये घूमेगा, यदि हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये घूमेगा, और यदि हम इस तरीके से इसको सीधा रखेंगे तो हमारा ये प्रेस है वो सही तरीके से आएगा। तो दोस्तों 2 सूत या 1 सूत एक्स्ट्रा आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आप यहाँ पर कटिंग करेंगे तो प्रेस करने में दिक्कत होगी, और यहाँ पर कटिंग करेंगे तो हमारे प्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जो हमारा सेंटर है वो भी सेंटर में से बिल्कुल सही तरीके से आएगा, घुमाव भी नहीं आएगा पैंट में और कहीं पर झोल भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें ये बातों का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर 1.5 इंची लगाना है, 1.5-2 इंची लगाना है,
वो तो कस्टमर के और आपके कटिंग करने के ऊपर हैं कि आप किस तरीके से करते हैं। और यहाँ पर हमें हल्का सा कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर हमें गोड़ाई लगानी होगी। तो दोस्तों हम आपको गोड़ाई फ्रेंड्स कवर से लगा के बता देते हैं किस तरीके से लगाते हैं। तो दोस्तों हमारी कटिंग आप करेंगे तो कटिंग यहाँ से कर लेना है इस तरीके से, यहाँ पर कटिंग कर लेना। और जो हमारी सिलाई मार्जिन आएगी वो आप यहाँ पर सिलाई कर लेना इस तरीके से, इस तरीके से। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि पैंट चाहे छोटी हो या चाहे बड़ी हो, आप इस तरीके से बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको पैंट कटिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे अच्छा तरीका है, आप कैसा भी तरीका लो लेकिन आपकी फिटिंग वो सही तरीके से आनी चाहिए, मेरा तो यही कहना है। कि आप कैसी भी वीडियो देखें लेकिन आपको पता है कि हम किस तरीके से कटिंग करते हैं और हमारी पैंट कैसे बैठती हैं। यदि हम इसे कोई भी हम पैंट की वीडियो देखेंगे और हमारी पैंट बनाएंगे कटिंग करके, और तो पहनने वाला बताएगा कि हमारी पैंट कैसी है कैसी नहीं है, तो वो तरीका आप सबसे अच्छा तरीका है। तो आप कटिंग करें तो अपनी मर्जी से करें, कैसा भी करें, लेकिन जो दोस्तों ग्राहक हैं वो परेशान ना हो, दुखी ना हो, उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इन बातों को हमें विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है, मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।